मंदसौर कृषि उपज मंडी में शुभ मुहूर्त में हुई मूंगफली नीलामी, अच्छे दाम नहीं मिलने से किसानों ने प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। मंदसौर कृषि उपज मंडी में आज शुभ मुहूर्त से हुआ मूंगफली नीलामी का कार्य शुरू एवं किसानों को उचित दाम नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश पड़ गया, जिसके बाद किसानों ने मंडी परिषद में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित हुए किसानों ने कृषि उपज मंडी के बाहर महू नीमच हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया एवं वहां से गुजर रहे वाहनों को भी रोकना शुरू कर दिया और सड़क पर किसान खड़े हो गए। किसानों ने बताया कि हम लोगों को उम्मीद थी कि आज शुभ मुहूर्त में मूंगफली की नीलामी का कार्य मंदसौर कृषि उपज मंडी में शुरू हुआ है तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे, एवं बताया गया कि कृषि उपज मंडी नीमच में अच्छे दाम किसानों को मूंगफली के मिल रहे हैं, पर मंदसौर कृषि उपज मंडी में कम दाम मिल रहे हैं, एवं बताया कि चक्का जाम करने के बाद मौके पर एसटीएम एवं पुलिस और मंडी सचिव मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देने के बाद फिर नीलामी कार्य शुरू कराया गया, पर एक से दो किसानों को अच्छे दाम दिए गए। इसके बाद फिर कम दाम दिए गए, जिससे किसानों में आक्रोशित बढ़ गया। फिर किसानों ने मंडी बंद कर दी और किसान नाराज हो गए, जिसमें किसानों ने बताया कि हम लोग यहां पर नीलम नहीं करेंगे, अब हम लोग सभी किसान नीमच मंडी में मूंगफली को नीलाम करने के लिए जाएंगे। मंदसौर कृषि उपज मंडी के पर्वत सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने किसान मूंगफली लेकर यहां पर आएंगे और आज मंदसौर कृषि उपज मंडी में 4,500 से लेकर 5,000 कट्टे मूंगफली के आए हैं। ओम प्रकाश डांगी, कल्याणपुरा सीतामऊ तहसील। क्या उम्मीद लेके आए थे मंडी में? और उम्मीद हम सोयाबीन के बारे में बोलना चाहते हैं। सोयाबीन हमारे सीतामऊ ब्लॉक में पूरा खराब हो गया है बरसात के कारण, और रही समस्या, ना तो सर्वे हुआ है ना मुआवजा वगैरह, बहुत सारी समस्या है। तो इसके अलावा भाव बहुत कम मिल रहा है, कम से कम 6,000 तो हमारी सोयाबीन बिकनी चाहिए, प्लस कम से कम सरकार ये सर्वे करवाए और हमारे मुआवजा बीमा वगैरह की जो क्लेम राशि है वो पारित करने की घोषणा करे, यही कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मदन सिंह नाम जी। क्या कहना है, आज से मूंगफली की नीलामी होनी थी मंदसौर में, उसको लेकर क्या कहना है? उससे हमें भाव में कमी पड़ रही है, उस वजह से हम नहीं दे रहे हैं। हाँ। भाव जो पूरा मिले तो हम दे रहे हैं, उस वजह से हम ले जा रहे हैं वापस। 3,000 रुपया में 2,500 का भाव लगा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं हम? तो क्या करेंगे हम? घर ले जाएं। 4,000 4,500 का भाव हो तो दे दें, 5,000 तक हो तो। नीमच मंडी में यही चल रहा है। क्या लगता है 2,500 रुपये 3,000 रुपये नुकसान है किसानों का? नुकसान है क्या, क्या मिल रहा है इसमें? 4,500 तक चल रहा है। हाँ, मदन सिंह नाम। करण सिंह जी, क्या कहना है जो मूंगफली की नीलामी को लेकर? मूंगफली नीलामी से हम ये कहना है सर, हमें भाव नहीं मिल रहे हैं यहाँ से, 2,500 3,000 2,500 बिक्री सर। हाँ। हमें पूर्णी घर है, हम घर ले जा रहे हैं वापस। तो क्या जो आपका नुकसान हुआ यहाँ पे आए वो इतना आए? हाँ, सर नुकसान हुआ सर, पैसे का किराया नहीं रहा, भाड़ा सब बहुत नुकसान हुआ। 100 रुपये बोरी लिए सर। नहीं, उम्मीद क्या लेके आए थे कि अच्छे भाव जाएंगे? हाँ, क्या 5,000 बिक जाएगी। क्या आज पहला दिन ही था नीलामी का? जी सर, पहला दिन ही था। कहाँ ले जाते थे इससे पहले आप लोग नीलाम कर? नीमच। क्या अच्छे भाव मिलते हैं वहाँ? 5,000 की बिकी है हमारी। सभी किसान जा रहे हैं, कुछ ही जा रहे हैं? सभी किसान वहीं जा रहे हैं सब। आज के नई मंडी खुल रही मंदसौर से, यहाँ लेके आए। क्या नाम आपका? करण सिंह जी। मैं दीपक पाटीदार, गांव खरपाला से। हाँ, क्या कहना है, क्या विरोध है आपको का? जो मूंगफली का भाव 5,000 ऊपर लगना था वो आज 2,500 3,000 रुपए लग रहा है। हाँ। जो कि मंडी के लिए बहुत लापरवाही मानते हैं, या फिर बनिया की जो भी है इनकी इनकी चाल भगत है। क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध यही है कि हमारा माल उच्च दाम में बिके, जो भाव लगना चाहिए। सूखा माल 15 दिन का उखाड़ के निकाल के लेके आए, उसके बाद भी हमारा 2,500 3,600 रुपये लग रहा है लास्ट में। क्या लगता है आपको, भाव नहीं मिलेंगे अच्छे तो क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं लेके आएंगे माल, कभी भी वापस ले जाएंगे सर। ले गया मैंने पर्ची फाड़ दी अभी वो। क्या आज कोई विरोधी लोग भी किया, चक्का जाम भी किया था? किया था ना सर, रोड पे किया था। उसके बाद SDM सर आए थे, उन्हें समझाया तो 1,500 रुपये 2,000 डेढ़ के लगाए, वापस से वही दिक्कत, वही 2,500 3,000 रुपये लग गए। फिर पहले 4,600 लगा, एक दो डेढ़ बाकी फिर वापस से 2,500 2,000 2,200 बस खत्म। क्या नाम आपका? दीपक पाटीदार। और मूंगफली की नीलामी का कार्य शुरू हो गया, कितनी मूंगफली है? आज पहली बार मूंगफली का नीलाम चालू हुआ है, आज मुहूर्त था, 4,000 से 5,000 बोरी आवक हुई थी और किसानों, मुहूर्त भी अच्छा हो गया था, उसके बावजूद भी किसानों ने भाव कम के लिए एक दो बार मंडी बंद भी करी है, दो बार बंद हो गया, अभी बंद पड़ी है, अभी 3 बजे फिर मंडी चालू करेंगे। सर कुछ किसान वापस जा रहे हैं, उनका कहना है कि भाव अच्छे नहीं? किसानों का देखो क्या है कि मूंगफली गीली भी है, मिट्टी वाली भी है,
और हमने नीमच से भी भाव पूछा है, वहाँ भी कम से कम मतलब जो 2000 से लेके 5000 तक का भाव चल रहा है, यहाँ मेरे यहाँ भी 3000 से 5000 के आसपास चल रहा है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर जो सूखा माल है तो अच्छा भाव जा रहा है, जिसकी क्वालिटी के हिसाब से भाव